यूपी के मुजफ्फरनगर में मंगलवार रात को दर्दनाक हादसा हुआ। देहरादून दिल्ली हाईवे पर बैंक्वेट हॉल के बाहर चढ़त के दौरान नाच रहे बारातियों पर अनियंत्रित हुई कार जा चढ़ी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद एक बाराती तो करीब 6 फीट हवा में उछलकर काफी दूर जाकर गिरा। इस हादसे में एक बाराती की मौत हो गई, 13 अन्य की हालत गंभीर है। इन्हें चंडीगढ़ और मेरठ रेफर किया गया है। हादसा हाईवे पर स्थित बीबीपुर चेकपोस्ट के निकट स्थित बैंक्वेट हॉल के बाहर हुआ और हादसे जिस कार से हुआ वह एक पूर्व नगरपालिका सभासद की बताई जा रही है। हादसे में मरने वाला प्रमोद गांव बहादुर का रहने वाला है। सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर खेड़ी वीरान निवासी अंशुल सिंचाई विभाग में स्टोर कीपर है। उसकी शादी गांव शेरनगर निवासी हेमा से तय हुई थी। बारात चढ़त के दौरान मंगलवार रात 1 बजे जैसे ही बैंक्वेट हॉल के बाहर पहुंची, ब्यूटी पार्लर से लौट रही दुल्हन की कार भी वहां पहुंच गई। बारातियों ने दुल्हन की कार को भी वहीं रुकवा लिया। इसके बाद कार की सनरूफ से दुल्हन भी बारातियों के साथ डांस करने लगी। उसी समय अचानक काले रंग की स्विफ्ट कार बेहद तेज रफ्तार के साथ पहुंची और दुल्हन की कार के एकदम पास से गुजरते हुए बारातियों को रौंदते हुए निकल गई। हादसा उस वक्त हुआ जब दुल्हन कार के सनरूफ पर डांस कर रही थी। इस हादसे के बाद शादी समारोह में कोहराम मच गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को नई मंडी स्थित प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक व्यक्ति का नाम प्रमोद बताया जा रहा है। कि घटना के बाद आरोपी चालक मौके से कार छोड़कर फरार हो गया। सनसनी ऑफ इंडिया टीम। क्राइम से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।